संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। सर, आज 41 प्रस्तावों पर मोहर लगी, कौन कौन से अहम प्रस्ताव थे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में थे प्रस्ताव के, और हमारे जो है ऊर्जा के क्षेत्र में था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, हमारे एयरपोर्ट के क्षेत्र में था, स्थानांतरण नीति, इसका सारे प्रस्ताव पारित हुए। जीवन मिशन, निश्चित जल जीवन मिशन को उसमें हिदायत दी है कि क्वालिटी मेंटेन किया जाए, कटिंग रोका जाए, जल्दी से उसको पूरा किया जाए और सब किया जाए। चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी, किसी तरह का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है अपने मंत्रियों को कि कैसे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, नतीजे अच्छे नहीं रहे यूपी में? हाँ, निश्चित, अभी समन्वय स्थापित करने के लिए बताया कि भाई स्थानांतरण नीति में बैठ कर बात करके करिए, बाकी कर प्रगति जो है समय सीमा के अंदर होनी चाहिए, क्वालिटी से समझौता ना, और सभी लोगों को बताया। नेताओं में सर फुटाउल भी शुरू हो गई कुछ नेताओं में, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा के नेता आपस में थोड़ा सा सर फुटाउल में जुट गए हैं, संजीव बालियान और संगीत सोम, बहुत से आरोप प्रत्यारोप भितरघात का भी लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। उनका निजी बयान हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी का काम है, पार्टी बैठक करती है, जो उसमें दोषी होता है उसमें कार्रवाई करती है, जैसे हमने कार्रवाई की है और शुरू की है, फिर से भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करेगी समय आने पर। कितने लोगों पर कार्रवाई कर चुके हैं समय? हमने तो अभी तो प्रदेश अध्यक्ष को नीचे भेजा उसको कंफर्म करने के लिए कि फाइनल करो कि इसमें कौन कौन लोग जो पार्टी को माँ तरघात किए, जो माँ पार्टी को माँ कहते हैं, मंचों पर मात जय जयकार लगाते हैं और समय आने पर वो धोखा देते, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से होता है, तो इतिहास रहा है और कार्रवाई होगी, आगे जो समीक्षा हो रही है धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, फिर से नई टीम बन रही है और नए जोश खरोश के साथ फिर से हम लोग जीतेंगे, उपचुनाव भी जीतेंगे, 2027 भी जीतेंगे। शुक्रिया। आपने सुना संजय निषाद जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी को माँ कहने वाले, पार्टी की जय जयकार करने वाले लोग अगर धोखा देते हैं तो उन पर कार्रवाई हम कर रहे हैं और इस चीज़ की समीक्षा भी कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।